कन्हैया मित्तल का यूटर्न, कांग्रेस में जाने पर क्या बोले, टिकट को लेकर भी दिया बयान। देखिए, मन सिर्फ जाने का था, गए नहीं थे, और दूसरी बात वापसी नहीं है, ये जहां था वही हूं। और लाखों सनातनी, करोड़ों श्याम बाबा के भक्त, हनुमान जी के भक्त, मुझे प्यार करने वाले अंतरात्मा से, उन्होंने जब सोशल मीडिया पे डाला कि मेरा जाना गलत है, संतों से मेरी चर्चा हुई, तो मुझे लगा कि हमें वही रहना चाहिए जहां हम हैं, वही हमारी जगह है। आदमी गलतियों का पुतला है, मन की बात थी तो मुझे मन में रखनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो जब किसी कारण से मीडिया में आई तो लोगों की बात को हमने फूल चढ़ाया, और हम जनता का तो धन्यवाद करते ही हैं, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमसे बात करी, अच्छा रिजल्ट आपके सामने है। तो सर, मन में क्या आया कि मुझे कांग्रेस में जाना है, मैसेज दिया? देखिए, मन में यही था कि जिस तरीके से लोग भाजपा से जुड़कर सनातन की तरफ जागरूक हुए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे सनातनी होंगे जो इच्छा रखते होंगे, उन्हें हम जोड़ सके सनातन के साथ। इसके अलावा कोई जिस तरीके की बातें उठी कि टिकट को लेकर ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। टिकट चाहिए होती तो हम भाजपा से ले लेते, कोई हमें मना थोड़ी ना था। लेकिन जो प्यार और जो सम्मान हमें मिला हुआ है, उसको देखते हुए हमने सिर्फ यही सोचा कि कांग्रेस के लोगों को भी सनातन से हम जोड़ सके। तो क्या कुछ रणनीति पसंद आई या फिर कार्य पसंद आया राहुल गांधी जी की जिस तरह? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर से आपसे वही बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरा लक्ष्य यही था कि सनातनियों को एकजुट करने के लिए हम रहते थे, कहते हैं, रहते रहेंगे। कांग्रेस के लोग भी बहुत सारे हैं। अब हम हमारे जहाँ कीर्तन होते हैं, आयोजन होते हैं, तो उसमें बहुत सारे कांग्रेस नेता है जो एतराज करते हैं जाने से, क्यों, उनको लगता है कि ये तो बीजेपी प्रो बीजेपी गाते हैं, तो उनको कैसे कीर्तन में हम बुला सके, कैसे ला सके। तो यही कारण था कि क्या पता हमें कई बार खुद भी उसमें जाना पड़ता है लोगों को जोड़ने के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं। कई बार हम आमदन इलाकों में भी जाते हैं कीर्तन करने कि कहीं वो भी कहीं आतुर हो जाए दरबार में जुड़ने के लिए। तो मन भी चेंज हो गया है सनातनी की बात, फिर एक बार फिर आपकी सर जन कमान का आगे सनातनी को बढ़ाने किस तरह करेंगे सर? नहीं बिल्कुल, ये मैं पहले बात तो क्षमा प्रार्थी हूँ उन लोगों से जिनका दिल दुखा मेरे इस मन की बात से, तो वो और वो बड़ा दिल कर हमें क्षमा करे। और जिस तरीके से हम काम करते रहे हैं, अभी भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो अब कांग्रेस की तरफ से आ गए हैं कि ये बदल दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फेक आईडी बनाकर किसी और पार्टी के होंगे या किसी और मजहब के होंगे जो हमारे पीछे लगेंगे, तो सच्चे सनातनी जो हैं वो बड़ा दिल कर हमारा सहयोग करें और साथ दें।